अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक पंजाब पुलिस हवाले से है। ठीक है, तो पंजाब पुलिस में फेज़ टू भर्ती कब शुरू होगी, या क्या पंजाब टू या क्या फेज़ टू कैंसिल हो गया, या फेज़ वन का पेपर क्या किस किताब से आया था, पुलिस की नई भर्ती कब आएगी, ये तमाम चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके तमाम डाउट्स क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और अगर फिर भी अगर आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा तो कमेंट में पूछें या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिए, हमसे वहाँ कॉन्टैक्ट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें और तमाम न्यू वेलकम किया जाता है आने वाले दोस्तों को। इसके अलावा 16 अप्रैल संडे वाले दिन 11 बजे हम लाइव आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी भी जॉब के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हैं, 16 अप्रैल संडे 11 बजे। ठीक है, तो अभी हमारा यही टॉपिक है कि पंजाब पुलिस फेज़ टू भर्ती कब शुरू होगी। ठीक है, ये आपको पता है पोस्टपोन हो गई थी, तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर जो है एक 2 महीने ले लें, ठीक है, 2 महीनों के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो आपके ये फेज़ टू जारी रहेगा और उससे अगले एक महीने बाद पुलिस की नई भर्ती भी आएगी। अगर ये अक्टूबर तक बात पहुँचती है तो आपकी 100% ये फेज़ टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद नई भर्ती दोबारा आएगी। ठीक है, ये अभी आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया। इसके अलावा फेज़ वन का पेपर किस किताब से आया था, ये आपको बता दूं कि डोकर जो है, डोकर वालों की बुक 2023 की एडिशन वाली, तमाम का तमाम पेपर पुलिस के इदारे ने वहीं से बनाया था 2023 का। आपको अगर नहीं पता तो आप अभी फेसबुक या जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाएं वहाँ से फेज़ वन वालों का पेपर देखें और डोकर वालों की 2023 की एडिशन वाली बुक जो है वो निकाल के देख लें, आपको तमाम क्वेश्चन उसी बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया। ये अभी बता दूं कि फेज़ वन फेज़ टू जो है वो अभी तक कोई कैंसिल नहीं हुआ है। आपका कोई आपको बता रहे होंगे कि फेज़ टू कैंसिल हो गया, कोई क्या सोशल मीडिया पे बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं। ठीक है, आप उन पे ना ध्यान ना दें, आप अपनी तैयारी रखें और यही दुआ करें कि इलेक्शन जल्द से जल्द हों, क्योंकि जितनी जो लंबे इलेक्शन हो जाएंगे, जितनी लंबी डेट इलेक्शन हो जाएगी तो उतनी जो है ये मसला बन जाएगा आप फेज़ टू वालों के लिए। और फेज़ वन का भी जो है ना अभी काम गड़बड़ गया, उन्होंने मेन अजला चुने हैं। ठीक है, मेन अजला उन्होंने चुने हैं जहाँ पे फेज़ वन के उनको ट्रेनिंग के लिए या मेडिकल उनका हो गया ट्रेनिंग के लिए, वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है किनका हो गया किस किनका नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो वो जहाँ पे उन्होंने पुलिस की ज़रूरत थी उन्होंने वो अजला चुने हैं। अभी जो रह गए हैं उनका तो अभी कोई पता नहीं है कि कब हो गया या कब नहीं। फेज़ टू वालों आपके तो जो है तैयारी अपनी जारी रखें और बस अल्लाह से यही दुआ करें कि जल्द अज़ जल्द इलेक्शन हो ताकि आपका भी प्रोसेस शुरू हो जाए, और उसी से एक महीने बाद जब भी अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो आपकी ये भर्ती अल्लाह ना करे कैंसिल हो सकती है और आपके जो है न्यू भर्ती आएगी तो फेज़ वन फेज़ टू वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर अक्टूबर में नहीं होते यही है कि 30 अप्रैल तक उन्होंने कहा, अगर अप्रैल या मई में हो जाते हैं इलेक्शन, ठीक है, तो फिर आपका भी प्रोसेस शुरू होगा और जो नेक्स्ट उससे अगले ही महीने फेज़ जो पुलिस की न्यू भर्ती आ जाएगी। और इस दफ़ा आपको बता दूँ कि ये चौधरी परवेज़ इलाही की वजह से उन्होंने स्पेशल भर्ती पुलिस की दी थी, जो कि बहुत कम सीट्स थी, किसी ज़िले को ज़्यादा कि जान ज़रूरत नहीं थी और किसी को कम मिल गई, तो ये गड़बड़ हो गया सारा निज़ाम। ठीक है, तो अभी उन्होंने ना पंजाब पुलिस वालों ने जो है इनकी मई में लाजमी आती है, मई या जून में, तो इन्होंने मोहसिन नकवी से तो अख्तियार लिया हुआ है, लेकिन अभी ये अगर इलेक्शन होते तो ये दे देंगे अपनी न्यू भर्ती। ठीक है, बस दुआ करें अल्लाह से और फेज़ वन वालों का जो पेपर देख लें और अब डोकर वालों की बुक से तैयारी करें। अगर पुलिस का अदारा टेस्ट लेता है तो डोकर वालों की बुक से तैयारी करें, अगर पुलिस का अदारा नहीं लेता तो फिर ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जहां से आपको मिलती है। उम्मीद है आपके तमाम डाउट्स क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।